गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट फ्रॉम योर मैथमेटिक्स बुक चैप्टर 3, कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस। बट बिफोर डूइंग दिस वर्क, एवरीबॉडी शुड नो, टू प्रिवेंट कोरोना वी शुड वॉश और सैनिटाइज अवर हैंड्स, वी शुड वियर मास्क एंड वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। नाउ एवरीबॉडी प्लीज टेक आउट योर मैथमेटिक्स नोटबुक, राइट डाउन टुडेज डेट हियर, चैप्टर 3, कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द टॉप लाइन। Fraction of the shaded part, that is today's topic, on the second line from the third line we'll start doing the work. The question is circle the right options. I have given some shapes and we have to find out the fraction of the shaded part. Some parts of these shapes have been colored and we have to find out the fraction of the shaded or the colored part. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वही बात बताना चाहूंगी दोबारा से कि जितने टोटल पार्ट्स होते हैं वो एज अ डिनोमिनेटर आते हैं। डिनोमिनेटर मींस बिलो पार्ट, जो नीचे लिखा जाता है पार्ट, दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। और जितने पार्ट शेडेड होते हैं उन पार्ट्स को ऊपर लिखा जाता है। ओके, लेट स्टार्ट डूइंग द फर्स्ट पार्ट। दिस शेप इज अ होल शेप एंड इट हैज बीन डिवाइडेड इंटू 1, 2, 3, 4, 4 इक्वल पार्ट्स। जितने टोटल होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं, दैट मीन्स 4। तो देखिए यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है। ओके, नाउ अब कितने कलर्ड हैं? 1, 2 कलर्ड हैं, तो ऊपर भी 2 होना चाहिए, दैट मीन्स दिस वन इज द राइट आंसर। ओके, नाउ इन द सेकेंड शेप, दिस शेप हैज बीन डिवाइडेड इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स पार्ट, सो आर डिनोमिनेटर शुड बी 6। यहां पर 6 यहां पर भी दे रखा है, यहां पर भी और यहां पर भी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द न्यूमरेटर, ऊपर वाला पार्ट। हाउ मेनी हैव बीन कलर्ड? 1, 2, 3 थ्री पार्ट हैव बीन कलर्ड, सो न्यूमरेटर इज 3, ऊपर वाला पार्ट 3 है, सो दिस वन इज द आंसर। Now the next part, this part has been divided into 1, 2, 3, 4, 4 parts. So denominator, जो नीचे वाला part है, it should be 4. यहाँ पे 4 2 times है. Now we have to find out the fraction of the colored part. So we have to count the colored parts. 1, 2, 3. These are 3. So numerator is 3. जितने part colored होते हैं हमें ऊपर लिखने होते हैं, टोटल पार्ट्स को नीचे लिखना होता है, सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दिस शेप हैज बीन डिवाइडेड इनटू 1, 2, 3, 4 4 पार्ट्स, सो आर डिनोमिनेटर शुड बी 4। ओके, नाउ ओनली 1 पार्ट हैज बीन कलर्ड, सो वी हैव टू राइट 1 अबव, सो दिस वन इज द राइट आंसर, दैट इज 1/4। नाउ नेक्स्ट शेप, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 should be a denominator. So 8 3 times. Now how many have been colored? 1, 2, 3, 4 So 4 should be numerator. So answer should be 4/8 So this one is the right answer. Okay. In the next part, you can see this shape has not been divided into any part. It is a whole. When there is a whole, we have to circle 1. It is a complete whole. It is complete 1. Okay. Now in the next shape, this shape has been divided into 1 and 2. 2 equal parts. So our denominator should be 2. And 2 or koi hai nahi. That means this one is the right answer. But phir bhi 1 has been colored. So answer should be 1/2 So this one is the right answer. Now in the next part, this shape has been divided into 1, 2, 3 parts. So denominator should be 3 and 1 has been colored. So 1 should be numerator. So answer should be 1/3 or 1/3 So this one is the right answer. Okay, bacha. So dear students, you have to do this work neatly, nicely in your mathematics notebook, and you have to revise this. Okay? Bye, dear students. Bye.